दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक शाकाहारी और एक मांसाहारी। लेकिन शाकाहारी लोगों में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्याज और लहसुन से भी परहेज करते हैं। हिंदू धर्म के पंडित, जैन धर्म के लोग और बौद्ध धर्म के लोग अक्सर प्याज और लहसुन नहीं खाते। नवरात्र के दौरान 9 दिन का उपवास करने वाले लोग भी प्याज और लहसुन नहीं खाते। लेकिन क्या आप इसकी वजह जानते हैं? अगर नहीं तो हम आपको बताएंगे। लोगों के पास अलग अलग तर्क हैं और वजह हैं प्याज और लहसुन नहीं खाने के, लेकिन हम आपको वो वजह बताएंगे जो धर्म और विज्ञान के हिसाब से बिल्कुल सटीक बैठती है। अगर आप सोचते हैं कि नवरात्र का व्रत रखने वाले लोग शाकाहारी ही ज्यादा होते हैं तो आप गलत हैं। भारत में सबसे ज्यादा नवरात्रि का त्यौहार पश्चिमी बंगाल में मनाया जाता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, जहां उत्तर भारतीय और दूसरे राज्यों में नवरात्रि के दौरान प्याज लहसुन से परहेज किया जाता है, वहीं कुछ बंगाली लोग व्रत के दौरान मछली का सेवन करते हैं। यानी अलग अलग जगह पर अलग अलग मान्यताएं हैं। तो चलिए अब मुद्दे की बात करते हैं। प्याज और लहसुन न खाने का तर्क ये है कि प्याज और लहसुन दोनों ही गर्म होते हैं और शरीर को गर्मी प्रदान करते हैं। लिहाजा आपने अक्सर गौर किया होगा कि कुछ लोग ठंडी के मौसम में लहसुन को भूनकर खाते हैं, क्योंकि वो शरीर को गर्मी प्रदान करती है। नवरात्रि या किसी भी धार्मिक अनुसरण के दौरान हमारा ध्यान लगाना बेहद जरूरी है। प्याज और लहसुन गर्मी देते हैं। माना जाता है कि इससे ध्यान भंग हो सकता है। धर्म के जानकार ऐसे वक्त में इस तरह की चीजें ना खाने की नसीहत देते हैं और उन चीजों को खाने के लिए कहा जाता है जो शरीर का तापमान सामान्य रखें। लिहाजा पंडित, जैनी और बौद्ध लोग इस तरह के सभी कंदमूल को नहीं खाते जो गर्मी देते हैं। इनमें प्याज और लहसुन भी शामिल है।